હલો મિત્રો, મેં ડૉક્ટર માલતી શાહ, ગાયનેકોલોજીસ્ટ, મેનોપોઝ કાઉન્સિલર ફ્રોમ વામા. નયે સાલથી ખૂબ ખૂબ બધાઈઓ, ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. મહિલાઓ કે જીવન મેં તીન મહત્વપૂર્ણ સ્ટેજીસ આતે હૈ, જિસ સમય મેં ઉનકે શરીર મેં હોર્મોન્સ મેં બદલાવ આતે હૈ, और इसी समय में स्वास्थ्य की ज़्यादा देखभाल रखने की जरूरत होती है. पहला किशोरावस्था या प्यूबर्टी, जब हमारी संभाल हमारे माता पिता लेते हैं. दूसरा गर्भावस्था, तब हमारी संभाल पति और दूसरे फैमिली मेंबर्स लेते हैं. और तीसरा मेनोपॉज़, जब हमारे कंधे पे तीन जब जिम्मेदारियां होती है, एक टीनेज या युवान बच्चे की, दूसरी अपने काम में व्यस्त पति, हमारी अपनी सामाजिक कौटुंबिक व्यावसायिक जिम्मेदारियां और हमारे पेरेंट्स का भी संभाल. और ये समय में जब हमारे स्वास्थ्य की संभाल लेना सबसे जरूरी होता है, तब इसके जानकारी समय प्राथमिकता या सुविधा के अभाव से हम नहीं रख सकते हैं, और परिणाम होता है ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, थायराइड, डायबिटीज, हृदय रोग, कैंसर या डिप्रेशन जैसी बीमारी का हम कब शिकार हो जाते हैं वो हमको मालूम नहीं रहता. अगर आप चाहते हो कि आपके साथ हिस्सा न हो तो रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाना जरूरी है. 35 साल के बाद आपको तकलीफ न हो तो भी डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप कराओ और उनकी सलाह के अनुसार ब्लड टेस्ट, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, आई ईयर प्रोटीन चेकअप, गाइडेड चेकअप, पेट और पेड़ों की सोनोग्राफी, पेंशनी और सोनोग्राफी करवानी जरूरी है. कोई भी बीमारी का निदान और सारवाई शुरुआत में करने से वो संपूर्णतः अच्छा हो सकता है, और आपका मेनोपॉज़ और बढ़ती हुई उम्र की वजह से आते तकलीफें सरलता से दूर होती है और आपकी बाकी की जिंदगी खुशहाल रहती है. थैंक यू.